अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में आप सीखेंगे क्रेडिट परचेस सेल्स पर एडवांस्ड इंटरेस्ट पैरामीटर्स का उपयोग करते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को आप अच्छे से समझ सके इसके लिए हमने ये वीडियो 6 पार्ट्स में बनाई है। ये इसका तीसरा पार्ट है और इस वाली वीडियो को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि आप इसके पहले के 2 पार्ट्स भी देखें। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्रेडिट सेल परचेस पर सिंपल इंटरेस्ट पैरामीटर्स का उपयोग करते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और टैली में उसकी एंट्री करना सिखाया था। चलिए अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। पिछली वीडियो में हमने जिस कंपनी में काम किया था वही कंपनी हमने यहाँ ओपन कर ली है। साथ ही आगे समझने के लिए हम दीपक ट्रेडर्स की वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट भी ओपन कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी। इस रिपोर्ट को बार बार खोलने और बंद करने की बजाय आखिर तक हम इसे ओपन ही रखेंगे ताकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को अच्छे से समझ सकें। अब हम आपको एडवांस्ड इंटरेस्ट पैरामीटर समझा देते हैं। उसके लिए हमें दीपक ट्रेडर्स के लेजर में ऑल्टरेशन करना होगा। यहाँ हम एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जाएंगे। ये देखिए इंटरेस्ट पैरामीटर्स की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर यदि हम ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन को यस कर देते हैं तो इससे ये होगा कि हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय यानी हर सेल्स परचेस के वाउचर्स बनाते समय इस तरह की इंटरेस्ट पैरामीटर्स की स्क्रीन आएगी जिसमें आप अपनी जरूरत के अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। हम इसे यस कर रहे हैं और इस स्क्रीन को भी सेव कर रहे हैं। हम स्केप की प्रेस करके वापस इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट पर आ गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि लेजर में ऑल्टरेशन करने से पहले यहाँ हमें दीपक ट्रेडर्स की जो इंटरेस्ट रिपोर्ट दिखाई दे रही थी वो अब पार्टी के लेजर में ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑप्शन को यस करने से चली गई है। चलिए आपको इसका कारण समझा देते हैं। तो इसका कारण ये है कि जब हम किसी लेजर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को इनेबल करके कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद उस लेजर में ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन को यस करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। इसका हल ये है कि यदि आप किसी लेजर में ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन को यस करना चाहते हैं तो जब शुरू में आप उस लेजर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू करते हैं उसी समय इसे भी यस कर दें। और यदि आप कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने यानी परचेस सेल्स वाउचर बनाने के बाद इसे यस करते हैं तो फिर आपको पहले बने सभी वाउचर्स को एक एक करके ओपन करना होगा और फिर एंटर प्रेस करते हुए उन्हें फिर से सेव करना होगा। चलिए हम आपको ये करके बता देते हैं। हमने यहाँ वो वाउचर ओपन कर लिया है जिसकी रिपोर्ट अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। अब हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले वाउचर बनाते समय यहाँ इंटरेस्ट पैरामीटर्स की विंडो नहीं आ रही थी पर अब आ रही है। इसकी वजह ये कि हमने ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑप्शन को इनेबल कर दिया है। ध्यान रखें अब आप इस लेजर को लेकर जब भी कोई सेल्स परचेस की एंट्री करेंगे तो इस तरह की विंडो आएगी और उसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ हम जैसा ये पहले था वैसा ही रखते हुए एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए वाउचर फिर से सेव हो गया है। अब हम एस्केप की प्रेस करके रिपोर्ट पर चलते हैं। ये देखिए वापस रिपोर्ट दिखाई दे रही है। चलिए अब एडवांस्ड इंटरेस्ट पैरामीटर्स को समझ लेते हैं। उसके लिए हम फिर से लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन पर चलते हैं।
यहाँ हम एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जाएंगे। ये देखिए इंटरेस्ट पैरामीटर्स की विंडो ओपन हो गई है। हम एडवांस्ड इंटरेस्ट पैरामीटर्स को भी इनेबल करना चाहते हैं, इसलिए F12 की प्रेस करेंगे और यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर्स को यस कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए इंटरेस्ट पैरामीटर्स की विंडो में एक नया ऑप्शन ओवरराइड एडवांस्ड पैरामीटर्स आ रहा है, साथ ही नीचे की ओर एडवांस्ड पैरामीटर से संबंधित कुछ नए ऑप्शंस भी आ रहे हैं। पहले हम एंटर प्रेस करते हुए एक बार नीचे तक चलते हैं, हम इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके समझेंगे। यहाँ एक खास बात ध्यान रखें कि यदि आप चाहें तो ये सभी सेटिंग्स यहीं लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन पर कर लें और इन दोनों ऑप्शंस ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन और ओवरराइड एडवांस्ड पैरामीटर्स को नो रखें। ऐसा करने से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय इंटरेस्ट पैरामीटर की कोई भी स्क्रीन नहीं आएगी और आपने लेजर में इंटरेस्ट से संबंधित जो भी सेटिंग की होगी वही एप्लीकेबल होगी। पर यदि आप ये सारी सेटिंग यहाँ ना करते हुए हर ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते समय वहीं पर करना चाहते हैं तो आप इन दोनों ऑप्शंस को यस कर दें। ऐसा करने पर ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते समय भी इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आप जो चाहे चेंजेस कर सकते हैं। हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय ही ये सारी सेटिंग्स करके आपको इन सभी के इफेक्ट बताना चाहते हैं, इसलिए इन्हें यस रखते हुए इस स्क्रीन को सेव कर रहे हैं, साथ ही इस लेजर को भी सेव कर रहे हैं। चलिए अब हम एक इनवॉइस बना लेते हैं। ये देखिए इंटरेस्ट पैरामीटर्स की विंडो ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले है इंटरेस्ट रेट और उससे संबंधित ऑप्शंस। यदि आप इनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम एंटर प्रेस करते हुए एप्लीकेबिलिटी पर आ गए हैं। यहाँ हम ऑलवेज सिलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम में डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी सिलेक्ट कर रहे हैं। डेट के आगे 1 अप्रैल आ रहा है। ध्यान रखें ये वाउचर की डेट है और हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। 2 में हम 25 अप्रैल टाइप कर रहे हैं। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद है राउंडिंग मेथड। आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा यदि उसमें रुपयों के साथ पैसे भी आते हैं तो आप उसे जिस मेथड से राउंड ऑफ करना चाहते हैं यहाँ से वो मेथड सिलेक्ट कर लें। ये तीनों राउंडिंग मेथड्स क्या हैं और किस तरह से काम करती हैं इसके बारे में हम आपको वीडियो नंबर 89 में डिटेल में बता चुके हैं। हम यहाँ नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट कर रहे हैं और राउंडिंग लिमिट में 1 टाइप कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट पैरामीटर्स को सेव कर लेते हैं। अब इस वाउचर को भी सेव कर लेते हैं। ये हम वापस रिपोर्ट पर आ गए हैं। आप ये ऊपर देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट 1 अप्रैल से 1 मई तक की है, पर रिपोर्ट में इस बिल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वाउचर की डेट से लेकर 25 अप्रैल तक की ही हुई है। इसका कारण ये है कि हमने यहाँ 2 में यही डेट ली थी। आप 25 अप्रैल के बाद किसी भी डेट का पीरियड सिलेक्ट करें, इंटरेस्ट 25 अप्रैल तक ही कैलकुलेट होगा। हाँ, यदि आप 25 अप्रैल के पहले की किसी डेट तक का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। जैसे हम पीरियड 1 अप्रैल से 10 अप्रैल कर रहे हैं, अब आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 10 अप्रैल तक की ही हो रही है। हमने अभी जो वाउचर सेव किया था उसमें कुछ ऑल्टरेशन कर लेते हैं। यहाँ हम 2 में ये डेट डिलीट कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। हम एस्केप की प्रेस करके वापस रिपोर्ट पर आ गए हैं।
अब आप यहाँ जो भी पीरियड लेंगे, जैसे कि यहाँ हम 1 अप्रैल से 1 जून ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हमने जो पीरियड सिलेक्ट किया है उस पूरे पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। हम फिर से एक वाउचर बना रहे हैं। इसमें एप्लीकेबिलिटी में पास्ट ड्यू डेट ले रहे हैं। ऐसा करते ही डेज का एक नया ऑप्शन आ गया है। इसमें हम 10 टाइप कर रहे हैं और फ्रॉम में डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ 1 टाइप कर रहे हैं। इस तरह सिलेक्ट करने पर आपने यहाँ पर जितने भी दिन टाइप किए होंगे, वाउचर बनाने की तारीख से लेकर उतने दिन तक कस्टमर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा, और वो इन दिनों को छोड़कर जितने भी दिन बाद पेमेंट करेगा उससे उनका इंटरेस्ट देना होगा। और अब इसे सेव कर लेंगे। अब इस वाउचर को भी सेव कर लेंगे। आइए इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। ये देखिए, पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 2 तारीख से हो रही थी और अब 10 दिन छोड़कर 12 अप्रैल से हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया वाउचर बना लेते हैं। यहां हम ड्यू डेट और क्रेडिट डेज में 5 डेज टाइप कर रहे हैं। यहाँ पास ड्यू डेट सिलेक्ट करके 10 डेज टाइप कर रहे हैं। यहाँ पर डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, राउंडिंग में नॉर्मल, लिमिट में 1 टाइप कर रहे हैं। अब इस स्क्रीन को और वाउचर को सेव कर लेंगे। आइए अब हम फिर से रिपोर्ट देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ क्रेडिट डेज के 5 दिन और पास ड्यू डेट के 10 दिन, इस तरह से 15 दिन छोड़कर 17 तारीख से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन शुरू हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया वाउचर बना लेते हैं। यहां हम एप्लीकेबिलिटी में ऑलवेज और यहां डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां हम आपको एक नई बात समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए आप इस बिल में ये चाहते हैं कि 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% हो। और 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से कैलकुलेट हो। और आखिर में 30 अप्रैल के बाद से कस्टमर कभी भी पेमेंट करे तो उसका इंटरेस्ट 3% से कैलकुलेट हो। तो उसके लिए हमें इस तरह से पैरामीटर सेट करना होंगे। आप चाहें तो इसी तरह आगे और भी अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट कर सकते हैं। हम इन्हें सेव कर रहे हैं। अब इस वाउचर को भी सेव कर लेंगे। ये देखिए, हमने जो पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप किए थे उनके अनुसार ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हुई है। चलिए अब आपको ड्यू डेट ऑफ इनवाइस ऑब्लिक रेफरेंस का मतलब समझा देते हैं। यदि आप बिल वाइज डिटेल्स स्क्रीन पर ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट डेज में मान लीजिए 11 दिन टाइप करते हैं और उसके साथ आप ऑलवेज सिलेक्ट करें या पास्ट ड्यू डेट सिलेक्ट करके कितने भी दिन टाइप कर दें और फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस ऑब्लिक रेफरेंस सिलेक्ट कर लें, दोनों ही स्थिति में बिल की इंटरेस्ट कैलकुलेशन ड्यू डेट या क्रेडिट डेज, जो कि यहाँ 11 दिन है, उसके बाद से ही होगी। और इसी तरह इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से आशय होता है कि कई बार हम माल का बिल तो बना देते हैं पर कई कारण ऐसे भी होते हैं, जैसे कि गाड़ी वाला माल लेने ही नहीं आया। ऐसी स्थिति में जब माल हमारे यहाँ से डिलीवर हो
उस दिन से कैलकुलेशन शुरू हो, तो उसके लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। आप ड्यू डेट और क्रेडिट डेज के साथ या इसके बगैर, ऑलवेज या पास्ट ड्यू डेट के साथ इन सभी ऑप्शंस का अच्छे से उपयोग करके देखें और जिनका रिजल्ट आपको अपने हिसाब से ठीक लगे उनका उपयोग करें। खास ध्यान रखें, अपनी जरूरत के हिसाब से भविष्य में आने वाले रिजल्ट का पहले अध्ययन कर लें, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलकर अलग अलग रिजल्ट देते हैं। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये एक कठिन टॉपिक है, जब आप एक दो बार इसके आधार पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि क्रेडिट सेल्स पर एडवांस्ड इंटरेस्ट पैरामीटर्स का उपयोग करके इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपने बैंक से कोई लिमिट या कोई ओवरड्राफ्ट लिया है तो उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।